नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। आज हम आपको बताएंगे कि योग के माध्यम से कैसे आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में इंसान अपना विवेक खो देता है और कई बार ऐसे गलत फैसले ले लेता है जिससे उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। क्रोध आने के अनेकों कारण होते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर, दूसरों से की गई अपेक्षा की पूर्ति न होने पर, कभी कभी अपनी इच्छाओं पर खुद खरा न उतर पाने के कारण और दूसरों से की गई अपेक्षा की पूर्ति न हो पाने के कारण हमें क्रोध आता है। जब आपको बहुत अधिक क्रोध आता है तो आप सबसे पहले एक गिलास पानी पी लेंगे, फिर इसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। आप नाक के माध्यम से श्वास लेंगे। जब आप श्वास छोड़ोगे, आपका पेट ऐसे अंदर को पिचकेगा। आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों, जब आपको क्रोध आए तो आपने जोर जोर से फ्री स्टाइल में हंसना है। इसे आप दिन में 3 बार कीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे उठाइए और फिर ऐसे ऐसे आप 3 बार सुबह, दिन में और शाम में कीजिए। यह आपके क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, चाइल्ड पोज। इसे करने के लिए आप दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। यह चाइल्ड पोज दिमाग और मन को शांत करता है और क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, 30 सेकंड या 2 मिनट आप इस स्थिति में रहिए, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। इस चाइल्ड पोज को आप 4 से 5 बार कीजिए। यह चिंता और तनाव को भी दूर करता है और क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। पद्मासन में बैठकर अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लीजिए और बाकी अंगुलियों से अपनी आंखों को ऐसे बंद करते हुए आप पहले नाक के माध्यम से लंबी श्वास लेंगे, फिर कंठ से भ्रमण की भांति आवाज करते हुए धीरे धीरे श्वास को नाक के माध्यम से ही छोड़ देंगे। एक बार कर लें। भ्रामरी प्राणायाम को भी आप 5 से 6 बार कीजिए। दोस्तों, क्रोध मन के स्तर का भाव है, बुद्धि के स्तर का भाव नहीं है। मन के अनुरूप चले तो मनमानी, बुद्धि के अनुरूप चले तो बुद्धिमानी। इसलिए आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए और क्रोध का परित्याग कीजिए। जब भी आपको क्रोध आए, आप इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों के प्रैक्टिस करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पाएंगे, खुशहाल जीवन जी पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।